बात चल रही थी बेहद के बाप से, सबको बेहद का जरूर वर्षा मिलता है। बाप कैसा है? बेहद का बाप है। उस बाप का नाम क्या है? त्रिमूर्ति शिव। तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जिन तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो तो तीनों मूर्तियां बेहद की होंगी या हद की होंगी? बेहद की होंगी। क्यों? बेहद के तो दो बाप हैं, एक मनुष्यों का पिता और एक आत्माओं का पिता। बेहद माने 500-700 करोड़, और त्रिमूर्ति शिव बाप जिसे कहते हैं, जिन्हें तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो तीन मूर्तियां तीन तबके वाली हैं। कौन कौन से तीन तबके? दुखदाम, सुखदाम और सबसे ऊंचा शांति धाम। भक्ति मार्ग में इन्हें तीन संप्रदाय के रूप में गिना गया है हिंदुस्तान में। ब्रह्म समाजी, वैष्णव पंथी और शैव समाजी। शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव और ब्रह्मा से ब्रह्म समाधि। दुखधाम की मूर्ति का अधिष्ठाता ब्रह्मा। दुखधाम के नजदीक कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा की मूर्ति। इसलिए अभी कलयुग अंत तक माताएं बहुत दुख भोगती चली आ रही है, और शांति धाम के नजदीक कौन सी मूर्ति है? जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर देवता अर्थात शांति देवा। और दोनों के बीच में सुखधाम की मूर्ति वैष्णवी शक्ति। तो तीनों से वर्षा मिल जाता है। उनमें त्रिमूर्ति बाप कौन है? ब्रह्मा की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें, विष्णु की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें, या शंकर की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें? तीन आत्माएं मूर्तमान होती है एक में ही। राम की आत्मा जिसे राम बाप कहा जाता है, कृष्ण की आत्मा जिसे कृष्ण बच्चा कहा जाता है, और तीसरी शिव सुप्रीम सोल। वो भी अमूर्त नहीं रहता हमेशा, बच्चों के सामने मूर्तमान होकर के प्रत्यक्ष होता है। तो सबसे ऊंचा वर्षा किसके द्वारा मिलेगा? त्रिमूर्ति बाप के द्वारा।